मैं मनपा आयुक्त का आभार मानता हूं, मैं इन सब की तरफ से उनका आभार मानूंगा, उनको भगवान चरणी से खुदा की तरफ दुआ है कि भाई ऐसे आयुक्त को जो है अल्लाह ताला जो है बड़ी लंबी हयाती थी और तरक्की। आता पब्लिक ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर महानगर पालिका के प्रभाग क्रमांक 5 की तरफ से आज मीरा रोड के ही नया नगर इलाके स्थित रोज अपार्टमेंट में जो अनधिकृत बांधकाम हुआ है उसे तोड़ने के लिए महानगर पालिका के अधिकारी आए हैं। साथ में पुलिस का भारी बंदोबस्त भी उन्हें मिला है और यहाँ पर महाराष्ट्र सुरक्षा बल के भी काफी सारे जवान यहाँ पर तैनात है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि इस जो बांधकाम हुआ है, इस बांधकाम को बचाने के लिए पूरे बिल्डिंग वाले नीचे उतर आए हैं। एक तरफ पूरे गेट के पास में ये लोग खड़े हैं ताकि इनका नुकसान ना हो, इन गरीबों के जो यहाँ पर अभी होने जा रहा है उसके लिए वो बचने के लिए सब कार्रवाई को रोकने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी तरफ यहाँ पर ये पूरे जो एक महानगर पालिका के प्रभाग 5 के तमाम अधिकारी पुलिस के बंदोबस्त के साथ में यहाँ पर आए हुए है। इस वक्त जो हमें जो पता चल रहा है कि पुलिस ने भी यहाँ पर बंदोबस्त देने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं बरती है। महाराष्ट्र सुरक्षा बल के भी यहाँ पर जवान तैनात है, वार्ड ऑफिसर जो है, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें 2012 में हम लोगों ने नोटिस दिया था और 2012 में उसका ऑर्डर पास हुआ है कि ये इलीगल है करके। इसका रीडेवलपमेंट की बिल्डिंग है, उन्होंने बिना प्लिंथ का सर्टिफिकेट लिए ये बांधकाम बनाया है। फिर उसका ऑर्डर पास होने के बाद में उन्होंने कोर्ट में भी गए थे पर कोर्ट से उनको स्टे वगैरह मिला नहीं है। यहाँ पे एक मोड़क करके कंप्लेंटेंट है, उन्होंने हाई कोर्ट में गए थे कि ये जो हमने ऑर्डर पास किया है उसके हम लोग इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते, इसके लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए। फिर कोर्ट ने बोला अगर स्टे नहीं है तो कार्रवाई कर सकते हैं। उसके बाद में वो हम लोग कोर्ट का ऑर्डर का फॉलो नहीं कर पा रहे ऐसा उनका कहने के बाद में हमारे खिलाफ़ वो लोकायुक्त में गए हैं और लोकायुक्तों ने इसके बारे में हमको अहवाल देने के लिए बोला है। तो उसी अनुषंग में हम लोगों ने सोसाइटी को ये बात बताया है कि आपके जो, और उसमें बीच में कोर्ट ने उनको ये भी मौका दिया था कि 30 दिन के अंदर ये रेगुलाइज के लिए जाए और रेगुलाइज करके ले लीजिए, मगर उन्होंने वो वक्त के इसमें अर्जी किया नहीं और शायद उनका अर्जी रिजेक्ट हुआ है। तो ये तो लोकायुक्त ने आपसे जो अहवाल देने के लिए कहा है, डिमोलिशन कार्रवाई करने के अहवाल मांगा है या इस संदर्भ में जानकारी मांगी है कि इसकी क्या हकीकत है? इसमें कोर्ट में, हाई कोर्ट में एक मसला मोड़क जी ने अप्लाई किया था, उन्होंने कि हमने जो 260 का नोटिस दिया था उसका जो ऑर्डर पास हुआ है उसके खिलाफ कि हम लोग कार्रवाई नहीं कर पा रहे। तो हाईकोर्ट ने ऐसा बोला था अगर दूसरे कोई कोर्ट से स्टे नहीं है तो ये जो 260 का जो ऑर्डर पास किया गया है उसी के आधार पे आप कार्रवाई कर सकते हैं करके। तो वो नोटिस के हिसाब से लोक कोर्ट का जो ऑर्डर है उसका हम फॉलो नहीं करते, इसके खिलाफ वो लोकायुक्त में गए। और आप इस अनधिकृत बांधकाम को लेकर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, इसके चलते अब आप पर जो एक ये कार्रवाई करने की नौबत आई। जी जी जी। एक और जानना चाहूंगा सर कि ये जो इमारत है जिसको आप डिमोलिश के लिए आए हैं, क्या ये पूरी के पूरी इमारत अनधिकृत है या इसमें कुछ हिस्सा अनधिकृत बनाए गए? इसमें बिल्डिंग को जब परवानगी दी गई थी तो जो बिल्डर है उन्होंने विदाउट प्लिंथ सर्टिफिकेट लिए बिना ये बिल्डिंग को आगे खड़ा कर दिया था। उसके खिलाफ उस समय के डिप्टी कमिश्नर साहब ने 260 का नोटिस दी थी, उसके बाद में उसका हियरिंग लिया था और पेपर मांगे थे, तो उन्होंने ये सब पेपर बिना दिखा नहीं पाए थे, उसके लिए पूरा बिल्डिंग ही इलीगल घोषित किया गया था। और अभी आज के डेट में पूरा बिल्डिंग इलीगल है, पूरा 100% इलीगल है। सर एक इंसानियत के नाते आपसे एक सवाल का जवाब जानना चाहूंगा कि अब इसमें जो लोग रह रहे हैं अब उनका क्या? एक्चुअली हम लोग लास्ट 2012 से हम लोग इनको बता रहे हैं कि इलीगल है, आप रेगुलाइज करना चाहिए, ये जो भी है कानून में आप रेगुलाइज करके लीजिए। बाकायदा मैं खुद 2 महीने पहले यहाँ पे ज्वाइंट हुआ हूँ तो मैंने उनको बताया था कि आप ये रेगुलाइज करने के लिए जो भी प्रोसेस है टाइम बाउंड कर लीजिए, पर वक्त रहते उन्होंने कोई फॉलोअप नहीं लिया है और आज ये नौबत आई है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए, हमें जानकारी देने के लिए कि जिस तरह से महानगर पालिका के रिकॉर्ड में बताया गया है कि ये पूरी इमारत ही अनधिकृत है, प्लिंथ का सर्टिफिकेट नहीं लिया गया है और कोर्ट के आदेश के अनुसार आज इसे डिमोलिश करने के लिए आए हैं प्रभाग क्रमांक 5 के अधिकारी पूरी पुलिस फौज के साथ में। प्रभाग क्रमांक 5 के वार्ड ऑफिसर स्वप्निल सावंत जिन्होंने बताया है कि कोर्ट और लोकायुक्त के आदेश पर आज ये थोड़ा कार्रवाई की जा रही है। इस बीच में
स्थानीय नगर सेवक और सोसाइटी वालों ने प्रभाग अधिकारी स्वप्निल सावंत जब यहां पर कार्रवाई के लिए आगे बढ़ने लगे तब उनमें आपस में बातचीत हुई और इन लोगों ने सोसाइटी की तरफ से जुबेर नामदार और सोसाइटी के सेक्रेटरी ने प्रभाग अधिकारी स्वप्निल सावंत से गुहार लगाई, उनसे विनंती की कि उन्हें कुछ समय दिया जाए ताकि वो अपने कागजों की जो अपूर्तता है वो पूरी कर सके। और ये मनपा के वरिष्ठ अधिकारियों ने यहाँ पर सोसाइटी को मोहलत दी है 1 महीने की के जो उनके काम पेंडिंग पड़े हैं या जो उन्हें डॉक्यूमेंटेशन पूरा करना है उस डॉक्यूमेंटेशन के लिए उन्हें 1 महीने का समय दिया गया है। स्थानीय नगर सेवक जुबेर इनामदार से भी जानते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर उनका क्या कहना है और आखिर में क्या फाइनल हुआ है। ये बिल्डिंग जो है अनधिकृत घोषित की गई है महानगर पालिका के तरफ से। सोसाइटी के लोग कोर्ट में गए हैं, इसको रेगुलराइज करने के लिए उन्होंने 2017 का जो शासन का निर्णय था कि जो ऐसे इलीगल बिल्डिंग्स है इसको फाइन पेनल्टी प्रीमियम भरकर इसको रेगुलराइज किया जा सकता है, तो उस ग्राउंड्स के ऊपर इन्होंने कॉरपोरेशन को भी एप्लीकेशन किया, कोर्ट को भी बताया और उस बेस के ऊपर इनकी मेहनत और कार्रवाई चालू है। 73 फ्लैट्स और शॉप्स हैं, शॉप्स तो शायद 10 या 12 ही है, बाकी का 60-65 रहवासी घर हैं। सुबह 12 बजे पुलिस की तरफ से इंफॉर्मेशन आती कि आपकी बिल्डिंग को आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है तोड़ने वाली है, आप लोग बिल्डिंग खाली करो। लोग हमारे पास आए, हमने भी अपने अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास कोर्ट के आदेश है। अब जब वो पुलिस का पूरा फौज फाटा लेकर और कॉरपोरेशन के अधिकारी का पूरा उनका अपना सिस्टम लेकर जब यहाँ पर पहुँचे तो हम भी यहाँ पर आए और हमने भी उनको रिक्वेस्ट की है कि भाई आप वो जो भी प्रोसेस कर रहे हैं उसको थोड़ी सी बाधा है, कुछ पेपर्स कम है, पेपर से ज़्यादा मौजू आ रहा है कि भाई उनको कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपये फाइन पेनल्टी भरने को आएगी। 1 दिन में 4 दिन में तो एक सोसाइटी, एक मिडिल क्लास की सोसाइटी इतना पैसा एक साथ में नहीं भर सकती, तो उनको हमने हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट किए कि भाई आप इन 75 लोगों का 73 लोगों की तरफ देखते हुए, इनके परिवार की तरफ देखते हुए उनको थोड़ा सा टाइम दीजिए कि वो ये जो है फाइन पेनल्टी भरकर इस बांधकाम को अधिकृत करा सके। ये कोशिश पर उन्होंने भी हमको फिलहाल में आश्वासन दिया और ये कहा ठीक है आप आयुक्त को एक लेटर दे दो, हम उनसे बात करते हैं और अगर आयुक्त तो मानते हैं तो हमारी इस विनंती को तो हम ये कार्रवाई को फिलहाल में स्थगित करेंगे। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने एक लेटर भी बनाया है आयुक्त के नाम पर और आपके माध्यम से मैं आयुक्त को हाथ जोड़ कर विनंती करूँगा कि भाई ये गौर जो गरीब लोग हैं उनका कोई कसूर नहीं है, उन्होंने बड़ी मेहनत से अपना छोटा सा एक सरमाया, छोटा सा छत जो है लिया है, ये 73 फैमिलीज बेघर हो जाएगी, बच्चे हैं छोटे छोटे, तो उन पर जो है सख्ती की कार्रवाई नहीं करते हुए उनको वक्त दे, रेगुलराइजेशन शासन का निर्णय है उस ग्राउंड्स के ऊपर वो रेगुलराइजेशन की कार्रवाई कर रहे हैं, उनको वक्त दे वो अपना कार्रवाई कर पाए और अपने जो बिल्डिंग को जो है अधिकृत करा सके। अब मैं तो उम्मीद यही करता हूँ कि जो उन्होंने पहले गलती की वापस नहीं करते हुए जल्द से जल्द वो अधिकृत करने की जो कार्रवाई उसको पूरी करें। मैं मनपा आयुक्त का आभार मानता हूँ, मैं इन सब की तरफ से उनका आभार मानूंगा कि उन्होंने अगर ये वक्त उनको जो दिया है कि भाई वो उन्होंने इस आम जनता सामान्य जनता की तरफ देखते हुए जो उन्होंने ये उनको चांस या मौका दिया है, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि उनको भगवान चरणी से खुदा की तरफ दुआ है कि भाई ऐसे आयुक्त को जो है अल्लाह ताला जो है बड़ी लंबी हयाती थी और तरक्की थी। ये थे स्थानीय कांग्रेसी नगर सेवक जुबेर इनामदार जिन्होंने आभार माना है, धन्यवाद दिया है मनपा के आयुक्त दिलीप भोले को कि उन्होंने इन 73 घरों और दुकानों में रहने वाले जो मालिक है उन लोगों के लिए उन्हें मौका दिया, उन्हें सहूलत दी। इसी तरह से जो रोज अपार्टमेंट नामक जो इमारत है जैसे सहूलत दी है, इसी ही एक और एक कमर अपार्टमेंट नामक जो मासा बेकरी में इमारत है वहाँ भी ऐसा ही मसला है कि वो पूरी इमारत तो अनधिकृत घोषित की गई है और उसे जब तोड़ने के लिए गए तो उन सोसाइटी से भी रहम करते हुए, उन सोसाइटी के साथ में दया दिखाते हुए, इंसानियत दिखाते हुए मनपा के अधिकारियों ने उन्हें भी मोहलत दी है।
अब यहाँ पर आज जो ताम झाम से और जिस तैयारी से मनपा प्रशासन के अधिकारी आए थे थोड़ा कार्रवाई करने के लिए, स्थानीय लोगों ने जब उनसे गुहार लगाई, बाधित जो लोग हैं जो पीड़ित इससे होने वाले थे उन लोगों ने गुहार लगाई, मनपा प्रशासन ने इंसानियत दिखाते हुए मानवता दिखाते हुए उन्हें एक महीने का समय दिया है कि वो इस इमारत को रेगुलाइज कर ले। अब आने वाले दिनों में कि देखना होगा कि अब तक सोसाइटी की तरफ से जो लापरवाही बरती गई थी कि उन्होंने इसे पेनल्टी भरकर रेगुलाइज नहीं किया था, तो क्या एक महीने में वो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, इसे क्या वो रेगुलर कर पाएंगे, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन सवाल अभी यूं ही बरकरार रहेगा इस पूरे मामले को लेकर के हाईकोर्ट और लोकायुक्त ने जो यहाँ पर मनपा प्रशासन को आदेश दिए हैं, जो निर्देश दिए हैं इस पूरे कार्रवाई को लेकर, उस निर्देश और उस आदेश पर मनपा प्रशासन क्या अपनी भूमिका रखेगी, कैसे वो अपना पक्ष वहाँ पर रख पाएगी, ये आने वाले समय में पता चलेगा। बहरहाल आज के इस कार्रवाई को रिलीफ मिला है और मनपा प्रशासन यहाँ से खाली हाथ लौट चुके हैं। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कृष्ण और साबिशे के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर, धन्यवाद।